Hello students, my name is Akshay Arora and I am teaching mathematics at ENS Academy. Today I am going to explain you about an important topic of applications of derivative in calculus. Length of tangent, subtangent, length of normal and subnormal. So in this video I am going to tell you about the length of tangent, length of subnormal, length of normal and length of subtangent. So before discussing this topic, we should know about the concept used in this topic. So very first concept used in this topic is slope of tangent. So before I start with the topic, main topic, I will first discuss about the slope of tangent. So slope of tangent, कोई भी हमने एक curve draw करा, x-axis से y-axis cartesian plane consider करके, for example this curve is y is equals to f(x) और इस पे एक point consider करा, p point. इस p point का coordinate है x1 y1 और इस p point पे हमने एक tangent draw करी. So basically ये जो p point है, ये होगा point of contact. So point of contact क्या होता है बच्चों? Point of contact वो point है जहाँ से हमारी tangent और curve दोनों pass हो रहे हैं. Where the line tangent touches to the curve. जहाँ पे ये लाइन टच कर रही है कर्व को, वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. अब अगर हमें इस टेंजेंट की स्लोप डिटरमाइन करनी है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx. इस कर्व का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा और उस डिफरेंशिएशन में जहां पे भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे होंगे x और y, तो x वेरिएबल की जगह हम x1 डाल देंगे और y वेरिएबल की जगह हम y1 डाल देंगे. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यूज्ड in this length of subtangent, subnormal and normal and tangent. So starting with the topic, let's start with the main topic. हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया बच्चों, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक कर्व बनाया और उस कर्व की इक्वेशन है y = f(x). एक पॉइंट का चिरा करा p पॉइंट और इस p पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है x1 y1. इस p पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट ने कहीं ना कहीं x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मान लेते हैं p पॉइंट. सो p पॉइंट इज बेसिकली लाइन ऑन x एक्सिस. अब हमने इस p पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करा. सो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन होगी जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो रही होगी. अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ये नॉर्मल कहीं ना कहीं आगे जाके एक्स एक्सिस पे एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा. सो दिस इज पीएन. अब हमने क्या किया बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस इज एस पॉइंट. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, ये एक्चुअली कौन सी लेंथ की बात कर रहा है, ये सबटेंजेंट होता क्या है, सबनॉर्मल होता क्या है. तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर करके मैं समझाता हूं. सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो इस डायग्राम के अंदर जो टेंजेंट की लेंथ है वो हम पीटी डिटरमाइन करने वाले हैं, पीटी. दूसरा है पॉइंट सबटेंजेंट. इस डायग्राम के हिसाब से जो सबटेंजेंट होगा बच्चों वो एसटी होगा, मतलब ये शैडो ऑफ द टेंजेंट या प्रोजेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस. सो दिस इज टीएस, सब टेंजेंट हो जाएगा टीएस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल. नॉर्मल की लेंथ अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बी पीएन. एंड फोर्थ पॉइंट इज सब नॉर्मल. सो सब नॉर्मल के लिए दिस एसएन, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज सब नॉर्मल. सो सब नॉर्मल इज एसएन. इस लेक्चर में मैं आपको ये चारों ही लेंथ डिटरमाइन करना सिखाऊंगा. मैं आपको टेंजेंट की लेंथ, नॉर्मल की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ और सब नॉर्मल की लेंथ, ये चारों लेंथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डिटरमाइन करनी है आपको. सो सबसे पहली चीज कि अगर आप टेंजेंट की स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक कांसेप्ट आपको सिखा दिया है कि आप कर्व का डिफरेंशिएशन करें और इस डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आप पॉइंट x1 y1 डाल देते हैं, x1 y1 डाल देते हैं, तो आपको स्लोप ऑफ और अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा.
अच्छा क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री बनाते हैं तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो बच्चों ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा अब दिस इज थीटा ये 90 है ये थीटा है तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा तो इन बोथ द ट्राइंगल्स आई हैव डिटरमाइंड ऑल द ट्राइंगल ऑल द एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिए अच्छा इसमें कोई ऐसी लेंथ है जो आप लोग जानते हैं हां बिल्कुल क्योंकि अगर p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये जो ps लेंथ है बच्चों ये जो ps लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये जो ps लेंथ है ये हो जाएगा y1 so this ps length is equals to y1 और y1 को मैं यहां पे मार्क कर देता हूं this ps length is equals to y1 now अगर मुझे pt length डिटरमाइन करनी है तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल pts pts ये हाइपोटेन्यूस होगा 90 डिग्री के सामने वाला i am using sin theta so sin theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर है हमारा y1 और हाइपोटेन्यूस है हमारा pt now For getting the value of PT, PT की value हमारे पास आ जाएगी y1 upon sin theta और sin theta का reciprocal होगा बच्चों cosec theta. So y1 into cosec theta. Now हम cosec theta को ऐसा भी लिख सकते हैं cosec square theta का under root और एक identity आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि cosec square theta होगा 1 plus cot square theta. अच्छा cot और tan एक दूसरे के reciprocal होते हैं क्योंकि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी निकाल लिया तो स्लोप का एक और फार्मूला कि अगर आपको इंक्लिनेशन थीटा पता है तो इस लाइन का स्लोप टेन थीटा हो जाएगा इसका मतलब डी बाय डी एक्स है उसे हम टेन थीटा में लिख सकते हैं और अगर हमें कॉट थीटा निकालना है यहां से तो हम डी बाय डी एक्स का रेसिप्रोकल डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स वन वाई वन वो हमारे लिए कॉट थीटा हो जाएगा तो यहां पे मैं कॉट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों सो वाई वन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई at x1 by 1 का होल स्क्वायर सो दिस इज pt और pt का मतलब होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट डिटरमाइन कर ली नाउ सबसे पहला काम हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट डिटरमाइन करनी है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इनटू रूट के अंदर 1 प्लस डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मतलब dy / dx का रेसिप्रोकल dx / dy यहां पे dx / dy का होल स्क्वायर एट x / y क्योंकि dy / dx या dx / dy में एक वेरिएबल आएगा उसके अंदर आपको x / y डालना होगा मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट भी डालना है सो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट नाउ सेकंड पॉइंट सब टेंजेंट इज ps तो अब हमें ये बेस डिटरमाइन करना है इस ट्रायंगल का सो अगेन इन ट्रायंगल pts आई एम यूजिंग tan theta इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस इज ts Now, tan theta को हमने भेज दिया इधर तो ये हो जाएगा y1 upon cot theta और ये आ जाएगा y1 sorry y1 upon tan theta यहाँ पे आ जाएगा y1 cot theta तो मतलब cot theta की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल के रखी हुई है तो y1 into dx upon dy at x1 y1 ये हमारे पास length of सबटेंजेंट होना चाहिए सो दो कांसेप्ट्स हम लोगों ने यहां पे लर्न किए करे हैं सबसे पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज y1 इनटू रूट के अंदर 1 + dx / dy का होल स्क्वायर एंड st st का मतलब सबटेंजेंट y1 इनटू स्लोप का रेसिप्रोकल मतलब dx / dy एट x / y1 ये लेंथ ऑफ सबटेंजेंट आ जाएगा नाउ गोइंग टू द थर्ड कांसेप्ट नॉर्मल तो नॉर्मल के लिए मुझे ये इरेज करना होगा क्योंकि हमें दूसरा कर ट्राइंगल कंसीडर करना है नो नाउ इन ट्राइंगल PSN PSN में नॉर्मल इज PN तो हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए अगेन आई एम कंसीडरिंग sin 90 माइनस थीटा इस बार थीटा नहीं है इस ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y1 and hypotenuse is pn and sin 90 minus theta is cos theta y1 upon pn now getting the value of pn pn is equals to y1 upon cos theta or I am directly writing it as y1 into sec theta अच्छा sec theta को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं sec square theta का
अंडर रूट, और sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 plus tan स्क्वायर थीटा। देखो हमने सब कुछ है ना tan और cot में बदलना है, tan और cot में इसलिए बदलना है क्योंकि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू हमें पता है। नाउ यहां पे हम y1 into root के अंदर 1 plus tan थीटा की वैल्यू डाल दूंगा dy by dx at x1 y1 का होल स्क्वायर। So this is PH is length of normal. Length of normal. So length of normal is y1 into root के अंदर 1 plus dy by dx का whole square. ये जो whole square लगेगा बेटा केवल dy by dx के ऊपर ही लगेगा, 1 के ऊपर नहीं है. So 1 plus फिर dy by dx का whole square. ये आपके पास आ जाएगा length of normal. Now going to the length of subnormal SN. SN क्या बेस फाइनल का बेस, तो बेस के लिए हमें यूज करना होगा tan theta. So I am using it as tan 90 minus theta is equals to perpendicular upon this. Perpendicular is y1 and base is SN. Tan 90 minus theta cot theta, cot theta की वैल्यू आ गई y1 upon SN. अब get for getting the value of SN we need to bring the SN to left hand side and cot theta to right hand side. Now 1 upon cot becomes 10 and 10 की value हम लोग डाल रहे हैं dy by dx, 10 theta की value में dy by dx at x1 y1. So this is length of subnormal. So length of subnormal is equals to y1, y1 मतलब P point का y coordinate, y1 into dy by dx, और dy by dx में आपको variable form में नहीं छोड़ना, आपको उसके अंदर x1 y1 में डालना है। So in this video we have read four concepts. First one is length of tangent, second one is length of subtangent, third one is length of normal, and fourth one is length of subnormal. Thanks for watching my video. Thank you so much.